और हम उनको बिला वजह ये कह देंगे कि भाई अभी वो किसी क्लास के लिए तैयार नहीं है और अभी वो लर्निंग के अमल में शामिल नहीं हो सकते जबकि दर हकीकत लर्निंग का अमल तो नहायत बचपन से शुरू हो जाता है पैदा होने के साथ शुरू हो जाता है अब चूँकि वो प्रोसेस में है तो ज़रूरी नहीं कि बच्चा तीन साल की उम्र में या ढाई साल की उम्र में पहुँच गया हो उन स्टैंडर्ड्स तक जो किसी भी क्लास में दाखिले के लिए ज़रूरी हैं सो ट्रांजिशनल प्रोग्राम्स और अब एक और बात है कि सिर्फ किंडर की क्लासेस अपनी जगह पे कुछ लोग प्री स्कूल क्लासेस भी बच्चों को पढ़ाते हैं जिनको हम ट्रांजिशनल क्लासेस कहते हैं यानी यहाँ से बच्चे तैयार होके तो अब स्कूल में जाएंगे अब आप खुद देखें जो काम स्कूल ने करना था उसको हमने उससे भी पहले इम्पोज कर दिया पेरेंट्स के ऊपर क्योंकि हम तो टेस्ट लेके कर रहे हैं ना तीन साल के बच्चे को भी हम टेस्ट में डाल रहे हैं तो हम उससे पहले भी कोशिश कर रहे हैं कि बच्चा इससे पहले सीख के आ गए तो पेरेंट्स उसको ढाई साल की उम्र में ट्रांजिशनल प्रोग्राम्स में डाल रहे हैं प्री स्कूल क्लासेस में डाल रहे हैं ताकि बच्चे वहां पर तैयार हों और वो एबिलिटी जो रिक्वायर्ड हैं स्कूल में दाखिले के लिए वो पहले से सीखें और फिर वो स्कूल के अंदर एंटर हों बहुत से ऐसे स्कूल आजकल आप अपने इर्द गिर्द कम्यूनिटी में देखते होंगे जो स्कूलों में दाखिले के लिए बच्चों को तैयार कर रहे हैं यानी स्कूल अब वो जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे जो उन्हें निभानी है बल्कि पहले से तैयार शुदा बच्चे लेंगे और फिर उनके ऊपर काम करें जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं सारी तालीम स्कूलों की ही जिम्मेदारी है अगर बच्चा प्री स्कूल में पहले जाए फिर वहां से सीख के स्कूल में आए

जब वो स्कूलों में गए तो वो बिल्कुल एक ही तरह की परफॉर्मेंस शो कर रहे थे यानी ट्रांजिशनल या प्री स्कूल प्रोग्राम्स में ना जाने वाले बच्चे और डायरेक्टली यानी जाने वाले बच्चे और ना जाने वाले बच्चे दोनों बराबर हैं तो मतलब ये है कि आप टेस्ट को रिड्यूस करें ना के बच्चों को प्री स्कूल्स के लिए मजबूर करें क्योंकि वो भी एक्स्ट्रा कॉस्ट है एक्स्ट्रा एफर्ट है टुवार्ड्स द पेरेंट्स वॉज द कम्युनिटी ज़ाहिर ऐसे स्कूल बनेंगे ऐसे इदारे बनेंगे उसके ऊपर स्टाफ डिप्यूट होगा फिर लोग वहाँ जाके प्री स्कूल के लिए बच्चों को दाखिल करेंगे तो एक्स्ट्रा बोझ होगा उनके ऊपर बहुत बेहतर है कि स्कूल एक मुनासिब उम्र में बच्चों को इंगेज करें और बगैर टेस्ट के करें सिर्फ ये देखें कि आया बच्चा इंस्ट्रक्शन को समझने के काबिल है या नहीं क्या वो खुद से कम्युनिकेट कर सकता है या नहीं या ये कि वो सोशली आ, फेमिलियर है के दूसरे लोगों के साथ बैठ सके दूसरे बच्चों के साथ बैठ सके ये चंद चीज़ें हैं जो हमें इंडिजनसली देखनी है खुद हमें ऐसे टेस्ट तैयार करने हैं या खुद इस तरह ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट बनानी है जिससे हम बच्चों को वॉच कर सकें कि उनके अंदर क्या चीज़ें पैदा हो गई हैं क्या वो किसी क्लास के लिए रेडी हैं तो ट्रांजिशनल प्रोग्राम सिर्फ हमारा रिवाज नहीं ये पूरी दुनिया के अंदर शुरू हुए हुए हैं जितने तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो हैरत की बात है कि तरक्की याफ्ता ममालिक में ये पहले से ज्यादा तादाद में है और वजह सिर्फ इसकी यही है कि जब एडमिशन के लिए बच्चों को बुलाया जाता है तो उनसे बहुत से सवाल पूछे जाते हैं बहुत सी चीज़ें उनकी मैयर की जाती हैं जो नॉर्मली बच्चे नहीं कर पाते तो फिर उनको ट्रांजिशनल स्कूल में डाला जाता है लेकिन जैसा मैंने अर्ज़ किया अगर परफॉर्मेंस देखी जाए तो दुनिया के वो ममालिक जैसे जापान है या फिलिपाइन है वो दुनिया में पहले नंबर पर जा रहे हैं और वजह सिर्फ ये है कि उन्होंने ना तो उनको किसी ट्रांजिशनल प्रोग्राम में डाला है ना वो स्टैंडर्डाइज टेस्ट लेते हैं वो बच्चों को एंगेज करते हैं और पहले छः सात साल तक ना कोई टेस्ट लेते हैं ना इवेलुएट करते हैं सिर्फ वो उनको मैनर्स सिखाते हैं कि उन्होंने एक दूसरे से डील कैसे करना है वो मुशरे के मुफीद शहरी बन कैसे सकते हैं सो मैनी स्टडीज डिमॉन्सट्रेट दैट देर आर नो बेनिफिट फॉर चिल्ड्रेन पार्टीसिपेट इन टू ईयर प्रोग्राम हत्या के बहुत से मुल्कों में जो दो साल प्रोग्राम चल रहा था प्री स्कूल के लिए देखा यह गया कि बच्चे उससे कोई फायदा नहीं उठा सके हैरत की बात है क्यों नहीं उठा सके ये फायदा वजह यह थी कि अभी वो इतने डेवलप हुए ही नहीं हैं कि बच्चे जो हैं वो उसके मुताबिक चीजें सीख सके सीखने की भी तो एक उम्र होती है अब एक बच्चा डेढ़ साल की उम्र में अगर फकरे के अंदर गुफ्तगु नहीं कर सकता और आप उसको फकर्रे में गुफ्तगु करने पर मजबूर करेंगे या करते रहेंगे तो वो तो तब ही कर पाएगा जब वो इस काबिल होगा अब अगर बच्चा ढाई साल की उम्र में पेंसिल पकड़ के सीधी लकीर नहीं खींच सकता तो आप उसको मजबूर नहीं कर सकते क्योंकि अभी उसकी मसल ब्रेन कोऑर्डिनेशन बनी ही नहीं है अभी उसमत का अंदाजा वो नहीं कर सकता अभी आप उसको ड्रॉ करने के लिए तीन साल के बच्चे को दायरा ड्रॉ करने के लिए कहेंगे वो नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका अभी हैंड कंट्रोल बना ही नहीं है तो आप ऐसे बच्चों के ऊपर एफर्ट कर रहे हैं ऐसे बच्चों को दो साल आप स्कूल से पहले पढ़ा रहे हैं जो अभी इस काबिल ही नहीं है कि वो चीज़ें सीख सकें तो रेडीनेस ये नहीं है कि आपको चीज़ें आती हैं कि नहीं आती रेडीनेस यही है कि क्या आप फिजिकली इतने डेवलप हो चुके हैं कि आप वो चीज़ें जो आपको सिखाई जाए उनको सीख। बस इतनी सी बात तो हम ये रिकमेंड करते हैं बहुत सी रिसर्च ये रिकमेंड करती हैं कि बच्चों को स्कूल में आने के लिए मजामीन या सब्जेक्ट के टेस्ट ना लिए जाए कंटेंट के टेस्ट ना लिए जाए बल्कि उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज ओरल एबिलिटीज को देखा जाए। सो डिलेइंग स्कूल इज नॉट बेनिफिशियल टू चिल्ड्रेन। और सिर्फ स्टैंडर्ड्स के लिए बच्चों को रोक रखना कि अगर ये टेस्ट पास नहीं करेगा तो उसको दाखिला नहीं दिया जाएगा सात साल का हो जाए इससे पूरे मुश्किल को नुकसान है ये कोई हल नहीं है बच्चों की लर्निंग के लिए ये चंद चीजें हैं जो हमें देखनी हैं, अपनी ऑब्जर्वेशन तैयार करनी है अपनी चेकलिस्ट बनानी है और हमें देखना है कि बच्चा हमारा सोशली कॉग्निटिवली एनेबल्ड हो चुका है दूसरों के साथ बैठने को और डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए